यू थ्रीज के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम आनंद पाल है। मैं आज आपको गणित विषय के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कि हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा इसमें अंदर है जैसे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण नंबर सेकंड। कौन सी विधि से प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हम हल कर रहे हैं, तो लिखेंगे पहले फर्स्ट समीकरण हमारे पास, इसका हम प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या है हमारे पास 0.2x बराबर, अब क्या करेंगे इसको 0.3, उसके बाद y को इधर ले लेंगे तो प्लस लैग प्लस का 0.3y, तो इधर गया तो किसका हो गया ये माइनस 0.3y, तो x का मान कितना आ गया, इसको ये इससे भाग कर देगा तो x बराबर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2 का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण दो हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें x का मान, ये x जबकि हमारे पास x का मान कितना है 2x है, तो इस सॉरी 4x 0.4, उसके बाद ये है 0.4x का वैल्यू जबकि हमारे पास है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ब्रैकेट बंद प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, उसके बाद क्या है ये इससे कट जाता है, 0 से 0.0 से पॉइंट 2 4 दो आ गया ये, तो दो लिखा ब्रैकेट सरू 1.3 माइनस 0.3y ब्रैकेट बंद प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये पूरी ब्रैकेट जो है इससे दो से गुणा हो जाएगी, तो गुणा करेंगे तो 2 × 2.6 माइनस 2 × 0.2 = 6y प्लस 0.5y बराबर 2.3, उसके बाद इसमें y का कितना है 0.6y और दूसरा है प्लस 0.5y, तो किसका अधिक है माइनस का अधिक है, तो क्या आगे 0.1y बराबर इसके बाद क्या आएगा 2.3, जो 2.6 जब प्लस का इधर गया तो दूसरी साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा 2.6 हो गया, उसके बाद माइनस 0.1y बराबर इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो माइनस का कितना आ गया 0.3, y बराबर माइनस 0.3 बटे 0.1, इसको क्या किया हमने माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस हो गया, 0 से 0 माइनस से माइनस 1 किया 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। समीकरण एक में y का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण एक हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, उसके बाद 3 की वैल्यू y बराबर 3 है तो 0.2x प्लस 0.3 गुणा में 3 इज इक्वल टू 1.3, उसके बाद 0.2x प्लस इसको इससे गुणा किया कितना आ जाएगा 0.9 बराबर 1.3, 0.2x बराबर उसके बाद 1.3 ये प्लस का 0.9 इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस 0.9, 0.2x बराबर इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा इसमें 0.4, x बराबर 0.4 बटे 0.2 पॉइंट से पॉइंट 0 से 0 2 4, x बराबर 2, x का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया 3, तो x बराबर 2 y बराबर 3 ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से समझा आ गया होगा, और आगे भी मैं जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आगे बताने की और पूरी पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।